राहुल गांधी जी आज अपना मिथ्याग्रह और भ्रम की राजनीति के जाल को फैलाने की पुनः कोशिश कर रहे हैं। जगदीश प्रसाद टाइटलर और सज्जन कुमार जी वहां पहुंचे तो जिस प्रकार का माहौल बना और जिस प्रकार से बाद में उन्हें राजघाट छोड़ के जाना पड़ा, दिस इज एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट। जिस प्रकार 84 में दंगे भड़काए गए, जिस प्रकार निर्मम रूप से इनोसेंट सिखों का निर्मूलन किया गया, उनकी हत्या की गई, उनको जला दिया गया बीच सड़क पर, वो हम सब ने देखा है। यहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उपवास के नाम पे किस प्रकार का उपहास वो कर रहे हैं ये हम देख रहे हैं। दंगा मास्टर कांग्रेस पार्टी ही है। दलितों के लिए आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अंबेडकर जी की आप बात करते हैं राहुल जी, जीते जी अंबेडकर जी को मार डालने वाली पार्टी, तिल तिल करके अंबेडकर जी को समाप्त करने वाली पार्टी अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति करना चाहती है। राहुल जी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अंबेडकर जी से ना केवल प्रेम करते हैं अपितु अंबेडकर जी के आइडियोलॉजी पर चलते हैं और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन भी करते हैं। आप हमें भ्रमित नहीं कर सकते। ये चिट्ठी अंबेडकर जी की रेजिग्नेशन की चिट्ठी है। नेहरू जी के कैबिनेट से किस प्रकार दुखी होकर अंबेडकर जी ने इन 6 पन्नों को लिखा है और इसमें क्या लिखा है, आई हैव बीन वंडरिंग वेदर देर इज एनी अदर पैरेलल इन द वर्ल्ड टू द कंडीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडिया, आई कैन नॉट फाइंड एनी, एंड येट वाई इज नो रिलीफ ग्रांटेड टू द शेड्यूल कास्ट, कंपेयर द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट दैट द गवर्नमेंट शोज ओवर सेफ गार्डिंग द मुस्लिम्स, द प्राइम मिनिस्टर, उस समय नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, द प्राइम मिनिस्टर्स होल टाइम एंड अटेंशन इज डिवोटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स, आई यील्ड टू नन नॉट इवन टू द प्राइम मिनिस्टर इन माई डिजायर टू गिव द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया द अटमोस्ट प्रोटेक्शन वेदर एंड वेन एवर दे स्टैंड इन नीड फॉर इट, बट आई वॉन्ट टू नो why are the Muslims the only people who need protection, are the scheduled castes, scheduled tribes and Indian Christians not in need of protection? अपीजमेंट और तुष्टिकरण की जो कांग्रेस की राजनीति थी वो नेहरू जी के समय से चला आ रहा था। इस विषय में बाबा साहेब अंबेडकर अपने चिट्ठी में लिखते हैं, भारत रत्न नहीं दिया गया 1956 में, स्वर्गवास के पश्चात भी वह भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार ने दी लिया तैल्य चित्र, एक पोट्रे भी बाबा साहेब अंबेडकर का आप पार्लियामेंट में लगवाना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के कारण से न केवल पंचतीर्थ बना अपितु ये पोर्ट्रेट भी लगा बाबा साहेब का।